नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। एसपीएन नई न्यूज में इस वक्त बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं और वो ये कि समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। अखिलेश को तगड़ा झटका इसलिए लगा कि उनके दिग्गजों ने ही इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा क्यों दिया, जरा इसकी वजह को समझिए तो वो वजह आपको समझ में आएगी कि वाकई में ये सही है। हालांकि उनकी मंशा क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने रीज़न यही दिया। दरअसल इन दिनों समाजवादी पार्टी के दो ही ऐसे नेता हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, एक तो चचा शिवपाल है और दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से रामचरितमानस का पर बयान दिया है उन्होंने, वो एकदम जो धार्मिक बयान है उस पर हालांकि अखिलेश यादव और चचा शिवपाल दोनों अपने आप को दरकिनार कर रहे थे और इसके बाद उन पर कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए जो है समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने इस्तीफा दे दिया। जरा क्या वजह बताया जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य एक तरह से वो हो गए हैं कि नहीं तो उन्हें निगलते बन रहा है और नहीं उन्हें निकालते बन रहा है। जरा सुन लीजिए क्या पूरी खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया था, जो बयान हमारे आपको बताया कि पिछले कुछ दिनों से खूब चल रहा है और उसी को लेकर सपा नेता ने इस्तीफा दे दिया। धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ टिप्पणी से नाराज थे ये नेता। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब जब आप मुद्दों पर बात कीजिए, सरकार डबल इंजन की है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन चीज़ों पर बात कीजिए, ये रामचरितमानस पे बात करने की क्या ज़रूरत है, राम मंदिर पे, धार्मिक मुद्दों पे बात करने की क्या ज़रूरत है। एक तरफ से अगर जनता की तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं नेता साहब, लेकिन अगर वही देखा जाए तो भाई आज के ज़माने में पार्टी या फिर नेता बिना धर्म के वो तो राजनीति रोटियां सेक ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों पहलुओं को देखें तो अब हालांकि इनकी मंशा अलग रही होगी, लेकिन रीज़न यही बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई नहीं हुई जिसकी वजह से हमने इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की भी बात हुई थी, लेकिन तब समझ में आ गया कि समाजवादी पार्टी उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि चचा शिवपाल को महासचिव बनाने के साथ साथ उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई बराबर का। तो यही समझ में आएगा कि इस बयानों का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई नहीं होगी। देखते हैं कि अब इनके इस्तीफे पर अब अखिलेश यादव का क्या रिएक्शन आता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।